गाइस, आज के समय में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके बिना जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। तो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले, भारत में इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1995 में 15 अगस्त को VSNL द्वारा की गई थी। 5 करोड़ लोगों तक रेडियो को पहुँचने में लगभग 38 वर्ष लगे थे और टीवी को पहुँचने में 13 वर्ष लगे थे। वहीं इंटरनेट को पहुंचने में केवल 4 वर्ष लगे थे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग पोर्न वीडियो देखने में करते हैं। इंटरनेट पर सबसे पहले symbolic.com नामक डोमेन रजिस्टर हुआ था। इंटरनेट पर हर सेकेंड लगभग 25 लाख ईमेल भेजे जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए यूट्यूब के बारे में, तो इस पर हर सेकेंड लगभग 15 लाख वीडियो देखे जाते हैं। इंटरनेट पर हर दिन लगभग 1 लाख .com डोमेन रजिस्टर होते हैं। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां के लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां की सरकार लोगों को इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है। पूरे विश्व में स्वीडन एक ऐसा देश है जहां इंटरनेट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि वर्ष 1995 से पहले डोमेन फ्री में रजिस्टर होते थे। पूरे विश्व में लगभग 20% विवाह इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। वर्तमान में इंटरनेट मैरिज कराने का एक सफल माध्यम साबित हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर्वत तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध है? अलेक्सा रैंक के अनुसार google.com दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ जेल में कैद कैदियों को इंटरनेट चलाने की अनुमति देती है। इंटरनेट पर अभी तक का सबसे महंगा बिकने वाला डोमेन cars.com है, जिसकी कीमत $872 मिलियन थी। हर रोज इंटरनेट पर लगभग 20 लाख ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होते हैं। फेसबुक संसार की सबसे नंबर वन सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसको वर्ष 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा शुरू किया गया था। पूरी दुनिया में लगभग 90% लोग इंटरनेट का उपयोग मोबाइल के द्वारा ही करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट पर हर दिन लगभग 30,000 से ज़्यादा वेबसाइट हैक होती है। इंटरनेट उपयोग करने वाला व्यक्ति एक वर्ष में इतनी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करता है, जिन्हें वह दिन में 8 घंटे भी पढ़े तो उन्हें पढ़ने में लगभग 80 दिन लग जाएंगे। इंटरनेट पर गूगल दुनिया की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेबसाइट है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूट्यूब आता है और तीसरे नंबर पर फेसबुक आता है। चीन में लोगों की इंटरनेट की आदत को छुड़ाने के लिए ऐसे कैंप बने हुए हैं जो लोगों की इंटरनेट की आदत छुड़ाने में मदद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट का उपयोग इंसानों से ज़्यादा मैलवेयर और इंटरनेट बॉट्स करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक को ज्वाइन करने वाला चौथा आदमी कोई और नहीं बल्कि फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग। इंटरनेट पर विश्व का पहला वेब कैमरा कैम्ब्रिज में बनाया गया, जिससे कॉफ़ी पॉट चेक किया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेटफ्लिक्स को गूगल से भी पहले बनाया गया था। पूरे संसार में केवल 10% लोगों के पास ही ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेटफ्लिक्स पूरे इंटरनेट के ट्रैफिक का 15% ट्रैफिक खुद हैंडल करता है। अगर इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो जापान में इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन भेजे जाने वाले 80% ईमेल स्पैम होती है? आपको शायद ही जानकारी होगी कि इंटरनेट पर पहली बार खरीदी और बेची जाने वाली चीज़ गांजे का एक बैग था। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।